सुकीवे SR 250 आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स और थोड़ा सा क्रेजी जाने वाला है, क्योंकि इस बाइक को हम लोग ऑलरेडी पहले शोरूम रिव्यू कर चुके हैं, पर आज हम इसको रोड रिव्यू करने वाले, राइड करने वाले। 1 लीटर पेट्रोल मैंने डाला था, स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा, और देखते कितना चलने वाला और राइड क्वालिटी क्या क्या प्रोड्यूस करने वाला है ये बाइक, वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पहले तो यार 360 सिनेमैटिक व्यूज़ देख लो कि कैसा दिखता है राइड करते हुए ये बाइक, और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जो लास्ट वीडियो में मेंशन करना रह गया था या फिर अभी मुझे मेंशन करना सही लग रहा है तो वो हम लोग मेंशन कर देंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पहले एक बार बाइक को चलाते हुए देख लो और फिर चलाते हुए कैसा फील होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They want to rise up while you drown. So 120 kg in 250 cc segment, मतलब 120 किलो का ये टोटल बाइक है, और ये जो इसका एडवांटेज है ना वो राइड में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, बट 120 kg और 223 cc का इंजन है, टू बी प्रिसाइज, नॉट एग्जैक्टली 250 cc, और उसमें ये 16 bhp टॉर्क जनरेट करता है जो कंपेटिटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है, बट जब आप सिटी में इसको राइड करते हो, वज़न वगैरह को देखते हो, तो इट्स रियली गुड फिगर्स। बट हाँ, वो चीज़ हम राइड रिव्यू में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से होता है। इसके अलावा अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो दैट इज़ दी 14 लीटर्स का टैंक जो कि इसमें आपको मिलने वाला है, वो भी एक बड़ा अमेजिंग सा पार्ट है कि एक बार फिलअप करने के बाद आप काफ़ी लंबा जा सकते हो और बार बार पेट्रोल पंप जाने की शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अदर फीचर्स की अगर बात करें तो टायर साइज़ वगैरह में, टायर में एक मेजर चेंज ये है कि एज यू कैन सी कि इसमें नॉर्मल टायर्स दिए गए हैं, नॉट दी दैट बिग ट्रेड ब्लॉक टायर्स जो कि आपको SR 125 में मिलते थे, आप साइड में वो भी देख पा रहे होंगे, बट दी नॉर्मल ट्रेड ब्लॉक टायर्स आपको इसमें मिलते हैं, जबकि ऑल ट्रेन मुझे तो लगते हैं। ऑफ रोड वगैरह में भी आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा बहुत राइड हुआ था तो उसका भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ कि ये टायर्स किस तरह से वर्क करते हैं। सो बेसिक अगर मैं टायर साइज़ वगैरह की बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो टायर मिलने वाला है दैट इज़ 110/70/17 इन द फ्रंट। सो इन द रियर वी गेट 130/70/17 टायर्स जो कि मुझे थोड़ा सा छोटा लगा 250 सेगमेंट के हिसाब से, बट इट्स ओके, लाइक जो भी है वो बेहतर है। 130 आप इसको थोड़ा सा बड़ा टायर भी डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट लाइक सो। हाँ, बाकी देखने में ये थोड़ा बहुत वाइड लगता है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ 125 से तो वो इससे ज़्यादा वाइड लगता है जस्ट बिकॉज इट हैज़ दी हाइड्रेट ब्लॉक टायर्स। और अब हम लोग एक बार ये इसका जो कंसोल वगैरह है और हैंडल बार वगैरह है उसका एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का कंसोल वगैरह आपको मिलने वाला है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दी कंसोल फर्स्ट। आई डोंट नो व्हाई इट्स फ्लिकरिंग टू मच, बट यहाँ पे आपका RPM आ जाएगा, यहाँ पे स्पीडो आने वाला है, यहाँ पे आपका टोटल RPM आ जाएगा, यहाँ पे फ्यूल गेजिंग दिखा रहा है, और यहाँ पे दोनों ही साइलेंट साइलेंट पायलो लैंप्स इज ऑन, यहाँ पे आपका न्यूट्रल आ जाएगा, ABS, और ये आपका FI का बटन यहाँ पे दिया जाएगा। सो बड़ा सिंपल सा और मिनिमलिस्टिक कंसोल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सो एक बार अगर मैं इस बाइक की हाइट कंपेयर करूँ विथ माई हाइट, सो एज यू कैन सी आई एम सिटिंग ऑन दी मोटरसाइकिल, मेरी हाइट 5'11" एज यू ऑल नो, और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ अपने साथ ये फ्लैट, यू कैन सी, सो या दिस इज़ दी पोजिशन विच आई गेट, थोड़े से नीज़ मेरे बैंड होने वाले हैं, जो कि अगर आप 5'11" या 5'10" के आसपास भी हो तो भी इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मैं शेयरिंग दी फिगर्स इन द वीडियो, बट काफ़ी ज़्यादा मिलता है तो आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि कई खड्डे वड्डे में टच वगैरह हो जाएगी, चांसेस वेरी 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 लेस। सो या थोड़ा सेमी ऑफ रोडिंग टाइप भी आप इसमें कर पाने वाले हो।
So that's the height comparison of the SR250 and the ground clearance of this bike. So if we are talking about the little डिटेलिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल जो कि इसमें आपको स्पेसिफिक मिलता है SR 150 125 की जगह पे, सो दैट इज़ दी एग्जॉस्ट नो एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट नोट भी थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको एक बार सुना देता हूँ. बट दी एग्जॉस्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स दी ब्रश्ड एल्यूमिनियम काइंड ऑफ स्टील काइंड ऑफ फुल लुकिंग एग्जॉस्ट. पुराने वाले में आपको दी ब्लैक वन मिलता था जो इसमें आपको वीडियो में लिखा होगा. लेट्स जस्ट चेक आउट दी एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस मोटरसाइकिल तो आपको ज़्यादा आइडिया जाएगा. सो या लेट्स स्टार्ट इट. तो ये आपका आइडियल ड्राइविंग है, आपको एक बार आइडियल ड्राइविंग फिर से एक बार सुन लीजिए. सो या दैट्स द आइडियल ड्राइविंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल. अब थोड़ा सा इसको रेव करते हैं और सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट के साथ. सो या इट इज अ रियली गुड एग्जॉस्ट नोट, आई कैन से दैट, क्योंकि काफ़ी सारी 250 सीसी सेगमेंट मोटरसाइकिल मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ. ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है. और राइड के समय की बात करूँ तो भी राइड करते वक्त भी आपको एक फील आता है कि आप कोई अच्छी सी प्रीमियम सी बाइक चला रहे हो. ओके, सो इट्स टाइम फॉर दी राइड रिव्यू. सो मैंने कुछ इसको 50-60 किलोमीटर के आसपास चलाया इस बाइक को, एंड वॉट आई फील इज़ कि ये आपका डेली कम्यूटर मोटरसाइकिल बन सकता है. ये 250 सीसी है पर पावर इतना ज़्यादा नहीं है कि जो आपको रोड पे डराए. बट विद द सेम पेज कि अगर आप सिटी में इसको राइड कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा. बहुत ही ज़्यादा क्विक है ये मोटरसाइकिल, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, जिसकी वजह से बेनिफिट ये मिलता है कि आप इसको ईजिली फ्लिकरिंग वगैरह कर सकते हो अगर ओवरटेक वगैरह करना है या. पर प्लीज़ इसको छपरियों की तरह राइड मत करना. ये पोटेंशियल इसमें है कि ये उस तरह से राइड हो सकता है, बट डोंट डू दैट. एक छोटी सी चीज़ जो मुझे वियर्ड लगी वो थी गियर शिफ्टिंग की. आई डोंट थिंक कि ये हार्ड गियर शिफ्टिंग झेल पाएगा जस्ट लाइक दी CBR एंड अदर जैपनीज मोटरसाइकिल्स. बट हाँ, मैं उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ तो इसको मैं ड्रॉबैक नहीं कहूँगा. बट हाँ, ये चीज़ है, शायद और भी मोटरसाइकिल्स ऐसी है जो ये चीज़ें ना सहन कर पाए. बट ये वाली बाइक में पर्टिकुलर मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ टाइम के बाद गियर शिफ्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी. अब ये पर्टिकुलर इस मॉडल का प्रॉब्लम है या फिर इस बाइक का प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, दैट इज़ आई फील. अब बात कर लेते एक बार कि ओवरऑल क्या होना, क्या है राइड रिव्यू. सो या सिटी के लिए दिस इज़ दी परफेक्ट दी ग्रेट मोटरसाइकिल एवर. लिमिटेड पावर, लाइट वेट, ह्यूज फ्यूल टैंक, इसी के साथ आपको मिलेगा कंफर्ट भी सिटी में राइड करने के लिए, क्योंकि लाइट वेट है तो मज़ा आएगा आपको फ्लिकरिंग करना, इजीली कहीं पे सी आप निकल सकते हो. सो या सिटी के लिए दिस इज़ दी दी आइडियल मोटरसाइकिल आई वुड से, कि इस सेगमेंट की आइडियल मोटरसाइकिल ये सिटी के लिए हो सकती है. अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत सेमी ऑफ रोड काइंड ऑफ सिचुएशन, लाइक खड्डे वगैरह जो कि रूरल एरियाज में होते हैं नॉर्मली. सो यस, इट कैन हैंडल इट, इट कैन हैंडल इट वेरी इजीली. कभी कभार ऐसा होगा कि पावर थोड़ा सा आपको कम पड़ेगा, बट ओवरऑल ये आपको कहीं किसी भी कंडीशन में से निकालने की पोटेंशियल रखती है ये बाइक. सो यस, ऑफ रोडिंग वाले पार्ट में भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि इट्स 9 out of 10. एक पॉइंट जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर एंड द टॉर्क मैं उसका कट कर रहा हूँ. अब बात कर लेते हैं राइड्स की. सो यहाँ पर राइड्स को लेकर मुझे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स में फील कर रहा हूँ. एक बेस्ट क्वालिटी फॉर दी टूर इज कि ये 14 लीटर्स का टैंक प्रोवाइड करती है और एवरेज काफ़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से आपको क्या होगा कि आप बहुत ही लंबा जा सकते हो, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट इन द राइडिंग. बट विद द सेम पेज के इसका वेट बहुत ही कम है, 120 kg. सो ये आपको फ्लाई बाय में या फिर विंड ब्लास्ट में या फिर ऐसी किसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा हाईवे पे डर लगेगा. कोई भी ट्रक्स वगैरह या फिर कोई भी गाड़ी आपको फ्लाई बाय देके निकलेगी तो आप पूरा हिल जाओगे, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट. सो आई डोंट थिंक कि ये राइड वगैरह के लिए आइडियल मोटरसाइकिल है, बट छोटा बड़ा आप कर सकते हो. बट मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको हाईवेज पे ज़्यादा ना चलाओ, और अगर चलाओ तो फिर बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में चलाओ, क्योंकि आपको दिक्कत आ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट. बट हाँ, एक टाइम पे आपको पावर भी ऐसा लगेगा कि यार बहुत कम पावर है, 120 जाते जाते तो ये थोड़ा सा ऐसे वीक हो जाता है. बट यार दैट्स दी अदर पार्ट. बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इट्स अ गुड मोटरसाइकिल. ओवरऑल पॉइंट्स अगर दे तो 9 out of 10 पॉइंट्स मैं इसको देना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ दी राइड्स. सो
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ये वाला बाइक पसंद आया होगा। और ये था मेरी साइड से Kiwi SR 250 का राइड रिव्यू एंड दी ओवरऑल रिव्यू। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो फ्रेंड्स के नाम से दैट आपको ये वीडियो वाला पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो। अगर कोई फ्रेंड बाइक प्लान कर रहा है परचेस करने का तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें अगर और भी कुछ डिटेल में आपको इस बाइक के बारे में या फिर Kiwi की और Benelli की कोई भी अलग सी बाइक के बारे में जानना है तो। सो अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। Stuck in a vault, I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide, when everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it, can I just get